आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी। इस रेसिपी में हम डालेंगे बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ जो बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। इन सब्जियों में है हाई फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ब्रोकली। ब्रोकली एक सुपर फूड है, उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम और पोटेशियम। गाजर में होता है बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए बनाता है और बहुत सारा फाइबर। मशरूम में भी बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोटीन है जो बहुत हेल्दी है। हरी प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम कुछ और सब्जियां डालेंगे। ये फ्रेंच बीन्स हैं, यहाँ पे इस तरह से मैंने कट कर लिया है इनको, तो ये भी बहुत अच्छा विटामिन सोर्स है। साथ ही हम डालेंगे ये हरी प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा है, तो इस तरह से सब्जियों को कट कर लें। मशरूम्स को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। गाजर को इस तरह से अच्छी तरह से धो के और लंबे पीसेस में कट कर लें। यहाँ पे एक कटोरी गाजर ली है मैंने। ब्रोकली ये इस तरह से बड़े पीसेस रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसके छोटे पीसेस नहीं करें, क्योंकि ये इस तरह हम जब स्टर फ्राई करेंगे तो ये बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने एक चौथाई कटोरी ली है, इसको क्यूब्स में कट कर लें। साथ ही लेंगे ये हरी प्याज का जो हरा वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से कट करें। और कुछ रिंग्स हैं, तो ये सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी भी लगती हैं दिखने में, तो जैसे चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पे हरा लहसुन, तो ये फ्रेश गार्लिक है बिल्कुल। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये जो फ्रेश गार्लिक है, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, तो बिल्कुल छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स का आप यूज़ करें, इसलिए हम यहाँ पे फ्रेश गार्लिक ले रहे हैं। तो सब्जियाँ हमारी सारी तैयार हैं। यहाँ पे पैन में मैं डाल रही हूँ आधे चम्मच बटर, और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए इसमें डालेंगे सबसे पहले जो हरी प्याज है वो काटी थी हमने, और लहसुन। धीमी आँच पे चलाते हुए इसको हल्का सा स�ॉटे कर लेंगे। जब इसमें से हल्का सा खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियाँ। यहाँ पे फ्रेंच बीन्स डाल रही हूँ मैं और गाजर, तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम ये पहले डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सब सब्जियों को एक साथ नहीं डालना है, इसीलिए हम एक एक करके डाल रहे हैं। तो हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे। हल्का सा जब आपको लगे ये हो गया है तब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और ब्रोकली। अब इसको भी चलाते रहेंगे, आपको लगातार चलाते रहना है ताकि सब्जियां जो है नीचे लगे नहीं और उनका कलर चेंज ना हो। एक मिनट तक सॉटे करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम, क्योंकि मशरूम को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए हम इसको लास्ट में डाल रहे हैं। अब इसको भी चलाते हुए सॉटे करेंगे। आप देखेंगे कि बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये सब्जियां हल्के हल्के पकने लग जाती हैं। अब देखिए इसका ये थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है और ये हल्के से पकने लगी है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वीट कॉर्न, तो ये 1/4 कटोरी डाल रही हूँ मैं, और साथ ही में हम डालेंगे जो हरी प्याज हमने काट के रखी हुई है, इसको हम लास्ट में डाल रहे हैं ताकि इसका कलर बना रहे, और थोड़ा सा नमक आधी चम्मच, और साथ ही में काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। आधी चम्मच ओरिगेनो डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। अब लास्ट में हम डालेंगे सफ़ेद तिल, यहाँ पे रोस्टेड तिल है मेरे पास, तो ये बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर आप ऐड करें अपने खाने में। तो इसको हम 3 चम्मच करीब डाल देते हैं, इससे जो है ये काफ़ी फिलिंग भी हो जाएगा, और इस रेसिपी को आप ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में बल्कि आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं। तो तिल डालने से ये थोड़ा फिलिंग हो जाता है और ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही फिलिंग है और बहुत ही हेल्दी है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, आप विनेगर भी डाल सकते हैं बट नींबू का रस और ज़्यादा हेल्दी है इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो बस ये हमारे सॉटे वेजिटेबल्स तैयार हैं सर्विंग के लिए। आपने देखा इसको बनाने में बस 5 मिनट का टाइम लगता है, और बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है ये, बिल्कुल कंप्लीट मील है। आप देख सकते हैं दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस सब्जी को बनाने के लिए आपने देखा हमने केवल 1 चम्मच बटर का यूज़ किया है, और इसमें जितनी भी सब्जियां हमने डाली हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। उन सब में है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमें इन्फेक्शन से बचने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही क्विक और हेल्दी रेसिपीज़ की अपडेट आप तक फटाफट पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।